गांधी जयंती पर मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि लोगों के पुराने बकाए बिजली के बिल की होली जलाई जाएगी, यानी उन लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिले, इसे भी सुनिश्चित किया जाएगा और किसानों के लिए भी सरकार सस्ती बिजली के बेहतर इंतजाम करेगी। मुरादाबाद पहुंचने पर सबसे पहले संजय सिंह ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को बदहाली, नफरत की राजनीति और जाति धर्म के झगड़ों से मुक्त कराने के लिए मुरादाबाद से मुद्दों की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने पार्टी का प्रचार करने वाली ई रिक्शाओं को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश को बदहाली से मुक्त कराने के लिए, नफरत की राजनीति से मुक्त कराने के लिए, जाति धर्म के झगड़ों से मुक्त कराने के लिए, मुद्दों की राजनीति को आज हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। पहली शुरुआत है 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बकाया बिल माफ। जैसे ही सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और पुराने जितने भी बिजली के बिल बकाया हैं वो सारे बकाया बिलों की होलिका जलाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। हम पुराने बकाया बिल माफ करेंगे, सारे पुराने बकाया बिल माफ करेंगे और पुराने बकाया बिलों की होलिका जलाई जाएगी। दूसरा, 24 घंटे बिजली देना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी, क्योंकि किसान पहले से ही तमाम तरीके के बोझ से दबा हुआ है और अगर हम लोगों की सरकार बनाने का मौका इस प्रदेश की जनता देती है तो हम किसानों को भी मुफ्त बिजली देंगे। तो आज 300 यूनिट मुफ्त बिजली, केजरीवाल का पहला वादा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, इस अभियान की शुरुआत हम लोग गांधी जयंती पर कर रहे हैं।